लीबियों की तरफ से दो औरतें आती हैं ताई कबीले में वबा फैलाने के लिए, जबकि उनमें से एक पकड़ी जाती है और जब उसे पूछा जाता है कि तुमको किसने भेजा तो कहते सलीबियों की तरफ से तुम्हें सलाम कबूल हो और खुद को आग लगा लेती है। और दूसरी तरफ ताई कबीला नई सरजमी मिलने की खुशी में जश्न मना रहा होता है और इधर हलीमा डर रही होती है कि अर्तगल को न जाने कुछ हो ना जाए मेरी वजह से। सुलेमान शाह अपने बेटे को अर्तगल को बुलाता है और बोलता है कि अर्तगल तुम्हारी शादी हलीमा से नहीं होगी, कबीले के अंदर ही होगी और वो भी रोशनी के साथ। जबकि अर्तगल को ये बात नामंजूर होती है लेकिन वो अपने बाप के सामने कुछ नहीं बोलता और चला जाता है। और सुलेमान शाह अपने बेटे को ये बुला के कहता है कि हमें अल अजीज़ की सरजमी कबूल है। और शाहनाज को उधर अर्तगल पर गुस्सा होता है कि हलीमा की वजह से मुसीबत पे मुसीबत आ रही है और अब तक किसी को नहीं पता कि हलीमा कौन है, शहजादा नुमान कौन है। शहजादा नुमान सलजोक सल्तनत का आखिरी वारिस है, हलीमा सलजोक सल्तनत की शहजादी जो कि मंगोलों और सलीबियों से बचते हुए इनके पास आ पहुंचे। आपको पता है आरफीन कौन है? क्या सुलेमान शाह अपने बेटे बुलदारों को बचा पाएगा? क्या अर्तुगल किया हुआ वादा पूरा कर सकेगा? क्या अर्तुगल शहजादा नुमान को करा तैगर के हवाले करेगा? ये सब जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। इधर करतोगलो कबीले में ये बात फैला देता है कि गुलदारो और हमजा के अलावा बाकी सारे साथी मारे जा चुके हैं। सारे कबीले में खौफो बहसा फैल जाता है। और उधर गुलदोगलो की बीवी बहुत परेशान होती है, वो गुस्से की हालत में सुलेमान शाह के पास जाती है बात करने के लिए। और वो इधर ये प्लान कर रहे होते हैं कि कारा तोइगर पर किस तरह से हमला किया जाए। और फिर तीतुश आके मिलता है कारा तोइगर से, क्योंकि तीतुश चाहता है कि काई कबीला हलब ना आए। उस्ताद आजम का हुक्म है कि काई कबीले को हलब आने से रोका जाए। कारा तोइगर बोलता है आपका काम हो जाएगा, क्योंकि उनका नाइब सरदार जो कि मंगोलों का इतिहादी बनना पसंद करता है ना कि सलीबियों के साथ जंग में रहना पसंद करता है। करतोगलो हमारे साथ है, जो हमारा वफादार है, जो हम कहेंगे वो हमारी बात मानेगा। और सुलेमान शाह आज शाम को हथियार डालने के लिए आ रहा है और अपने साथ शहजादे को भी लेकर आ रहा है। इधर आरफीन महल में पहुँचता है अपने पुराने साथी की तरफ, उधर जाकर मिलता है और उससे सारी बात करता है कि हमें हर हाल में शहजादे को बचाना है और अगर किसी सूरत में शहजादा नहीं बचता तो शहजादा को जिंदा उन लोगों के हाथ नहीं लगना चाहिए। और इधर सुलेमान शाह करतोगलो को सारे इख्तियार दे देता है कि अगर मुझे कुछ हो गया तो कबीले का ख्याल रखना। जब आरफीन वापस आता है तो अर्तुगल उससे पूछता है कि जनाब किधर से सैर करके आए हैं, तो आरफीन को पता चल जाता है कि मुझे अब सच्चाई बताना होगी। तो आरफीन फिर वो सारी सच्चाई बताता है कि मैं किस तरह महल में गया और अपने पुराने साथी के साथ मिलकर प्लान किया है और किस तरह कारा तोइगर को धोखा दिया जा सके। इधर हलीमा अर्तुगल से बोलती है कि मैंने आपसे झूठ बोला था, मुझे माफ़ कर दें। अब आपको अंदाज़ा हुआ तो मैं क्यों नहीं यहाँ पर रुक रही थी, क्योंकि मेरी वजह से आप लोगों पर कौन कौन सी मुसीबतें टूट सकती हैं। फिर हलीमा अर्तुगल से वादा लेती है कि आप मेरे भाई को सही सलामत लेकर वापस आना ताकि मेरे वजूद में कोई अधूरापन ना रह जाए। और अर्तुगल कहता है अगर मैं वापस ना आया तो ये याद रखना मेरा अधूरापन तुम हो। और फिर अर्तुगल अपने सिपाहियों को लेकर महल की तरफ रवाना हो जाता है। प्लान के मुताबिक जब सुलेमान शाह महल में जाता है तो कारा तोइगर खंजर निकाल के उसकी गर्दन पर रख देता है और पूछता है सुलेमान शाह आखिरी ख्वाहिश बताओ। सुलेमान शाह बोलता है कि मुझे मारने से और शहजादे को मारने से तुम्हें क्या मिलेगा, खुदा से डरो।